यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के बीच कई भारतीय छात्र फंस गए हैं। बिहार के पूर्णिया के भी कई छात्र वहां फंसे हुए हैं। अब इसे लेकर पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने आज समरणालय सभागार में यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों को बुलाकर उनसे बातचीत की और हेल्पलाइन नंबर जारी किया। जिलाधिकारी ने यूक्रेन में फंसे शहर के निवासियों से सहायता के लिए निर्दिष्ट नंबर और ईमेल पर संपर्क करने की अपील की है। जिलाधिकारी ने कहा कि यूक्रेन में जो अभी स्थिति है उसके आलोक में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा यहाँ के जो छात्र फंसे हुए हैं उनकी वापसी के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। पूर्णिया जिले के जितने छात्र हैं पटना और एमए के माध्यम से उनकी सूची प्राप्त हुई है। आज दोपहर 17 छात्र की सूची प्राप्त हुई है, जिसमें एक छात्र आज मुंबई एयरपोर्ट पर आ चुका है। दिल्ली, पटना और जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। दिल्ली में छात्र पहुंच रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार के द्वारा एयर टिकट देकर पटना लाने की व्यवस्था की गई है। राज्य और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं यूक्रेन में फंसे पूर्णिया के छात्रों के परिजन काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। उन्हें अपने बच्चों का डर सता रहा है। कुछ बच्चे के परिजन बता रहे हैं कि बच्चे से बात हो रही है, कुछ बता रहे हैं कि अपने बच्चे से संपर्क टूट गया है। बच्चे डर से इधर उधर भाग रहे हैं या कहीं भूखे प्यासे छुपे हुए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज छठा दिन है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के कई हिस्से बमों के धमाके से दहल गया है। आज एक भारतीय छात्र की भी बमबाजी में मौत हो चुकी है। ताज़ा हालात इतने भयावह है कि यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है। उन छात्रों के लिए मुसीबतें बढ़ गई है जो युद्ध की आशंका के कारण अपने स्वदेश लौटना चाहते थे। यूक्रेन के हालात कैसे हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां खाने के सामान के लिए मारामारी हो रही है। वहां फंसे भारतीय छात्रों ने बताया कि यहां पानी की भी किल्लत हो गई है और एटीएम से पैसे भी नहीं निकल रहे हैं। यूक्रेन में जो भी स्थिति है उसके आलोक में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा यहाँ के जो स्टूडेंट्स या जो दूसरे निवासी हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं उनके इवैक्यूएशन के लिए और जो उनका सेफ एग्जिट है उसके लिए तमाम प्रयास राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। और पूर्णिया जिले के जितने बच्चे हैं जिनकी सूची समय समय पर हम लोग को प्राप्त हो रही है पटना से और एमईए के माध्यम से, उसमें अभी आज दोपहर तक 17 स्टूडेंट्स की सूची प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक स्टूडेंट मुंबई एयरपोर्ट पे आज सुबह में वो आ चुका है और बाकी जो 16 हैं और उसके अतिरिक्त 31 स्टूडेंट्स की सूची जस्ट अभी 5 मिनट पहले प्राप्त हुई है। उसमें हम लोग मास्टर डेटा से हम लोग मिलान करते हैं कि कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है और जो नए नाम और जो जिला प्रशासन को स्थानीय स्तर पर प्राप्त होते हैं वो भी हम लोग ऐड करने का काम करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन में काम किया जा रहा है दिल्ली में, पटना में और जिला स्तर पर भी। और राज्य सरकार के द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट में और मुंबई में भी हेल्प डेस्क बनाया गया है। दिल्ली में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको एयर टिकट देकर राज्य सरकार के द्वारा पटना लाने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में आवश्यकता पड़ने पे उनके आवासन और भोजन की भी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है और पटना उतरने पर पटना से जिला मुख्यालय तक भेजने की भी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अभी हम लोगों ने जो स्ट्रैंडेड जितने स्टूडेंट्स हैं उनके गार्जियंस उनके पेरेंट्स को भी बुलाकर अभी मेरे स्तर से और माननीय विधायक जी के स्तर से उनको संबोधित किया गया और उन्हें राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में उनको बताया गया। उनकी जो क्वेरीज थी उनके जो उनके कुछ सुझाव थे उसको भी हम लोगों ने दर्ज किया है और हम लोग ऊपर उसको कम्युनिकेट करेंगे। कुछ लोग पैनिक भी हो रहे हैं, वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पे जितने भी मेजर्स हो सकते हैं वो उनके द्वारा लिया जा रहा है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में इस पे कार्रवाई की जा रही है। और इंस्ट्रक्शन यही दिया गया है कि जो इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन है उनके जो उनका जो इंस्ट्रक्शंस है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो लोग हैं
इंडियंस, उनको ही फॉलो करना है। अपने स्तर पे अगर कोई वो कुछ निर्णय अगर लेते हैं तो उसको भी हम लोग के संज्ञान में, सरकारी जो तंत्र है उनके संज्ञान में लाने की आवश्यकता होगी ताकि मशीनरी जो है वो वहाँ तक पहुँच पाए। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 46 स्टूडेंट हम लोग मान सकते हैं कि 30, जिसे आपने बताया अभी 30 जी, अभी 30 की सूची प्राप्त हुई है, उसमें हम लोग मिलान करेंगे, उसमें कुछ नाम डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, लेकिन ये सूची लास्ट सूची नहीं है, ये टाइम टू टाइम हम लोग के पास ये नाम ये प्राप्त हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे उसका एक मास्टर डेटाबेस हम लोगों ने बनाया है, उसमें उनका जो यूक्रेन का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और यहाँ लोकल लेवल पे उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उस सबको हम लोग एक जगह संधारित कर रहे हैं और उनके फैमिली मेम्बर तक हम लोग पहुँच रहे हैं। नहीं देखिए, जो फ्लाइट शेड्यूल जो अभी तक बना है उसमें अब जो बिहार के भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी फ्लाइट में ठीक ठाक संख्या में वो आ रहे हैं। पूर्णिया जिले की जो सूची अभी प्राप्त हुई है उसमें एक स्टूडेंट आज सुबह में वो मुंबई एयरपोर्ट पे वो आ चुके हैं और बाकी का जो फ्लाइट शेड्यूल जैसे जैसे हम लोग को प्राप्त होगा हम उनके फैमिली मेम्बर्स को भी अवगत कराएंगे और पटना से या जिस भी एयरपोर्ट पे वो आते हैं वहाँ से उनके लाने की भी व्यवस्था करेंगे। उसमें राजधानी में हैं और आज मतलब इसमें ऑडियो के थ्रू बात हो रही है। अच्छा, यूक्रेन का बॉर्डर उन्होंने पार किया है कि नहीं? जी, अभी वो सुरक्षित है? मतलब जी सुरक्षित है, दो स्टेशन छोड़कर रोमानिया बॉर्डर पे आ चुके हैं। फ्लाइट वगैरह की कोई बातचीत हुई उनसे कि कब वो वहाँ से निकलने की तैयारी? नहीं, इस सब का कुछ पता नहीं है। उन लोगों को सूचना मिली है कि कब तक उन लोगों की फ्लाइट वहाँ से निकलेगी? नहीं नहीं नहीं, सूचना नहीं मिली है। हमारा लड़का लास्ट कांटेक्ट कब हुआ? लास्ट कांटेक्ट तो हो रही है, आज भी बात हुई और मैसेज में भी बात हो जाती है। अभी फ्लाइट का शेड्यूल नहीं आया? जी नहीं। कहाँ पे पढ़ती है वो, क्या नाम है? उड़ीसा नेशनल यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? सदफ जर्रीन। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्णिया कोऑपरेटिव कॉलोनी। आपका क्या नाम है? सकीबा जमीर। आप उनकी मदर? आप उनकी कौन है? मम्मी। आपके बच्चे वर्तमान में कब आपका संपर्क हुआ था आखिरी बार? 10:30 बजे से 10 बजे संपर्क टूट गया। 10 बजे संपर्क टूट गया? हाँ हाँ। उस वक्त वो कहाँ पर थे? उस समय थे वो ट्रेन में थे। ट्रेन में है, जगह का नाम हम बता देते हैं। पोलैंड बॉर्डर से ये फोलो, ये है फोलो वेस्ट स्टेशन का नाम था। यूक्रेन में ही थे? यूक्रेन के बाद? यूक्रेन में था। यूक्रेन में थे? यूक्रेन में था, फोलोलैंड स्टेशन पर था। उसके बाद से संपर्क टूटा हुआ? अच्छा, क्या उनसे कोई संपर्क इस तरह का हुआ कि उनको ले जाने की कोई तैयारी हो रही हो या फिर वो बच्चा बता रहा था कि बॉर्डर टपेंगे और पोलैंड से हमको इंडिया का जहाज आकर ले जाएगा। उसके बाद संपर्क नहीं? पोलैंड देश में। पोलैंड देश कहाँ पर वो रह रहे थे? वो रहे थे जोफ्रोविया। जोफ्रोजिया? जोफ्रोजिया। क्या नाम है उनका? गुफरान हासमी। कितनी उम्र के हैं? 18+ है, 18 से ज़्यादा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शेख सरफुद्दीन। बेटा आपका वहाँ क्या कर रहा है? बेटा नहीं, मेरा पोता है। पोता क्या करते हो? मेडिकल कर रहा हूँ। घर कहाँ हुआ? घर छतिया हुआ, पोस्ट भोगा भगवान मुफसिल रानी पर रहा। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।